देखते हैं बॉलीवुड की ताजा खबरें फटाफट। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 के साथ क्लैश से बचने के लिए रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने उनकी आने वाली फिल्म गोलमाल 4 की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का तय किया है। अजय की पिछली फिल्म शिवाय करण जौहर की ए दिल है मुश्किल के साथ क्लैश हुई थी, जिससे शिवाय के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर हुआ था। खबर है कि श्रद्धा कपूर का परिवार रॉक ऑन 2 के प्रोड्यूसर से काफी नाराज है। कपूर की माने तो अगर डीमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन किया होता तो फिल्म फ्लॉप नहीं होती। सनी देओल अपने बेटे करण को लॉन्च करेंगे पल पल दिल के पास नामक फिल्म के साथ। करण के ऑपोजिट सीनियर देओल एक फ्रेश फेस की तलाश कर रहे हैं और क्योंकि ये फिल्म दिल्ली बेस्ड है इसलिए सनी चाहते हैं कि वो किसी दिल्ली गर्ल को ही इस फिल्म में करण के ऑपोजिट कास्ट करें। अमृता सिंह ने मुबारका में अर्जुन कपूर की माँ का रोल इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उनकी बेटी सारा जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है और अमृता सारा पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती है। शाहरुख खान और अक्षय कुमार की होने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर टक्कर। अक्षय कुमार की क्रैक और शाहरुख खान की द रिंग इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज होगी। और खबरों के लिए देखिए videos.jagran.com।